हेलो हेलो
Hello, welcome all. We are just waiting for 2-3 more minutes to enable all the participants to join. Please bear with us. Thank you. Shashank, do we start? You can unmute yourself. Shashank, unmute yourself. Shashank, you are the co-host now.
Hello everybody, we are now starting with this seminar on Zoom. I hope I am audible to everybody. Sabko sunai de raha hai barabar? Chat box pe thumbs up kar sakte hain ya aise hi thumbs up kar sakte hain? Sabko sunai de raha hai? Maine sabhi ko mute kiya hua hai. Jab bhi question ki aapko aavashyakta hogi main aapko unmute kar dunga. और अपने क्वेश्चंस पार करके रखें, आप अपने चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। तो हियर वी बिगिन। आज दो सब्जेक्ट मेजरली हम लोग लेंगे, पहला अपने करियर के बारे में और दूसरा हम लोग अपने करियर के बाद वाली लाइफ के बारे में। सबसे पहले हम लोग अभी चालू करते हैं। So good evening to all of you. I, C.S. Mukesh Nisal, a senior member of the Institute of Company Secretaries of India and a career guide. I am with you for another hour or so. This seminar courtesy is SR Digital, Akshay Agarwal and Shashank Agarwal. Thanks to both of them. They have done very good job for, by calling all of you. आज सबसे बढ़िया एक स्टोरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। क्या चीज हमें अपनी जिंदगी में कुछ करने से रोकती है, क्या वो बातें हैं जो हमें अपने आप को परेशान करती हैं और हम अपनी शक्तियों को पूरी तरह से काम में नहीं ले पाते। अगर वो चीजें आज हमें समझ में आ जाए तो शायद हम आने वाले समय में बहुत अच्छी तरह अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई जगह एक भारी भरकम हाथी को एक छोटी सी रस्सी और छोटे से खूंटे से बांध के रखा जाता है। जी हाँ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैं एक ऐसे कैंप के पास से गुजरा था जहाँ बहुत सारे हाथी पलते थे, बंधे हुए थे। मैंने देखा एक पूरा भारी शक्तिशाली हाथी एक छोटी सी रस्सी और छोटे से खूंटे से, जिसको कभी भी उखाड़ के भाग सकता था, बंधा हुआ था और उसने कभी प्रयास भी नहीं किया कि मैं उस खूंटे को तोड़ के जाऊँ। बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उस ट्रेनर से पूछा, जो हाथी का ट्रेनर था, कि भाई ये क्या सीन है, यह हाथी क्यों नहीं छोड़ जा, क्यों आपने इतनी छोटी सी रस्सी से इसको बांधा हुआ है और ये अपने आप को क्यों नहीं आजाद कर सकता है। ट्रेनर ने बड़े हंस के जवाब दिया, वो सर जब ये छोटा था, जब इसकी कैपेसिटी नहीं थी कि रस्सी को तोड़ के भाग जाए, तब हमने इसको बांधने की प्रैक्टिस दी। इसके मन में ये डाला कि रस्सी ही पक्की है और वो चीज़ जो उसके दिमाग में बचपन से बैठी, वो बड़े होने तक इसको मालूम है कि इसके दिमाग में ये है कि मैं रस्सी नहीं तोड़ सकता। क्या ये एलिफेंट के रोक की तरह हमें भी कोई चीज़ रोकती है? पक्का यस। बहुत सारी शक्तियाँ हमारे में निहित है, लेकिन हम उन शक्तियों को रोक के बैठे, हम उस काम को आगे नहीं बढ़ाते। अपने आप को एक्सप्लोर करें और अपने आप को देखें कि आपकी शक्तियाँ क्या है, अपनी क्रिएटिविटी क्या है, अपनी पहचान क्या है, और उस चीज को एक झटके से अगर तोड़ के आप निकाल देंगे तो आप पाएंगे कि आपने अपनी सारी एनर्जी और सारी शक्तियों के साथ में एक नए जीवन रूप में प्रवेश कर लिया। यही एक बहुत जरूरी चीज है दोस्तों, कि हम ये समझें कि हमें एक आउट ऑफ द बॉक्स अपने आप में सोचना है कि हमें एक आउट ऑफ द बॉक्स तरीके से हम अपनी जिंदगी को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कब है? जब किसी टफ सिचुएशन में हम अपने आप में सोचने की क्षमता को गंवाए ना, बल्कि उस सोचने की क्षमता को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं आपको फिर एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ।
फिर आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ जिसमें आपको सुन के अच्छा लगेगा। इटली, आप कंट्री का नाम सुना होगा, इटली में एक समुद्र के किनारे मछुआरों को फाइनेंस करने वाला एक साहूकार था, बड़ा उम्र का और बड़ा अजीब सी शक्ल वाला। सभी मछुआरों को उसने फाइनेंस किया हुआ था, सभी मछुआरे उससे पैसा उधार लेकर अपना जीविका चलाते थे। एक मछुआरा जिसकी लड़की बहुत ही सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, उस साहूकार ने उस मछुआरे से कहा कि आप अपनी लड़की से मेरी शादी करवा दीजिए तो मैं आपका सारा कर्ज माफ कर दूंगा। एज ए फादर उसको ये प्रपोजल पसंद नहीं आना था और ना ही आया। कुछ समय बाद उस साहूकार ने फिर ये प्रपोजल रखा कि चलिए मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, आप उसको मानिए, मैं आपका कर्ज माफ कर दूंगा। अब देखिए इस ऑप्शन में कितनी अच्छी सी बातें और कितनी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाली बातें थी। साहूकार ने मछुआरे को कहा कि एक थैली में समुद्र के किनारे से मैं दो पेबल्स, दो छोटे छोटे पत्थर उठा के रखता हूँ, एक काले रंग का एक सफेद रंग का। अब आपकी लड़की उसमें से एक पेबल निकालेगी। कंडीशन ये, अगर उसने काला पेबल निकाला तो आपका कर्ज माफ हो जाएगा और उस लड़की को मेरे से शादी करनी पड़ेगी, और अगर उसने व्हाइट पेबल निकाला तो उसको शादी करने की जरूरत नहीं, उसकी चॉइस है, पर आपका कर्ज माफ हो जाएगा। हाँ भरी गई, कोई ऑप्शन भी नहीं था। उस साहूकार ने एक थैली में समुद्र के किनारे से उठा के दो पेबल्स डाले। बड़ी चालाकी से उसने दोनों ही ब्लैक पेबल्स उसमें डाल दिए, और तो कोई नहीं देख पाया, पर उस लड़की ने उस साहूकार को दोनों ब्लैक पेबल्स डालते हुए देखा। तीन ऑप्शंस उस लड़की के पास थे। पहला तो वो मना कर देती, मेरे को कुछ नहीं करना। दूसरा वो एक्सपोज करती उस साहूकार को कि इसने बहुत गलत काम किया जो वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी शायद। और तीसरा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, ऐसी टफ सिचुएशन में उसने कुछ सोचा, और सोचने का अंजाम देखिए कि उस लड़की ने कहा कि मैं एक पेबल निकालती हूँ, उसने एक पेबल निकाला लेकिन गिरा दिया। समुद्र के किनारे पेबल उन पत्थरों के ढेर में वापस जाके गिरा जहाँ कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि कौन से कलर का वो पत्थर था। साहूकार भी नाराज, फादर भी सोचने लगे, लेकिन उस लड़की ने कहा कि मैंने एक पेबल निकाला वो नीचे गिर गया, और अगर थैली में दो कलर के पेबल थे अभी निकाल लीजिए, जो कलर का पेबल थैली में है, पत्थर जिस तरह कलर का है उसके दूसरे कलर का ही मैंने निकाला होगा। तो देखिए कितने ब्यूटीफुली, मतलब इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू ओवरकम ए टफ सिचुएशन थ्रू आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आप अपनी क्रिएटिविटी को किसी भी संकट काल में बचा के रखें, सोचें कि किस तरह से उस क्रिएटिविटी के द्वारा हम कोई भी दूसरे ऑप्शन को, अच्छे ऑप्शन को अपनी जिंदगी में चुन सकते हैं। आप अगर इस तरह से सोचेंगे कि हम सोचते रहे, हम करें कि हम उस इसकी मतलब सिचुएशन में कभी घबराए ना, और इसी तरह इस चीज को बस ध्यान में रखते हुए लेट मी गिव डायरेक्शन टू योर ड्रीम्स। और मैं आज आपसे करियर प्लानिंग के बारे में और करियर क्या है इस बारे में बात करने जा रहा हूँ। आज हम समझे कि करियर क्या है। बहुत बार हम समझते हैं कि हमें करियर क्या समझना होता है, ये करियर है किसने डिसाइड कर दिया हमारा, हमने कुछ भी सोचा और कुछ भी एक अपना करियर प्लान कर लिया। नहीं, एक करियर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा समय, बहुत समय लेना चाहिए हमें सोचने के लिए, और हमें किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए, और उसके बाद हमें ये सोचना चाहिए कि हम करियर अपना किस तरह बना सकते हैं। और उसी के कुछ मुख्य मुद्दे हम आज इसमें इस सेमिनार में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला, हाउ टू डेवलप योर करियर, विच फेमस पर्सनलिटी एम आई लाइक, वॉट करियर विल बी गुड फॉर मी आफ्टर क्लास 10। जी हाँ, अगर आपको बहुत बड़ा एडवोकेट बनना है तो महात्मा गांधी की तरह सोचिए, आपको बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ बनना है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की शक्ल को याद करिए, आप बहुत अच्छा सोशल काम करना चाहते हैं तो मदर टेरेसा हाजी हैं, आप बहुत इंजीनियरिंग में ऊंचा उड़ान भरना चाहते हैं तो कल्पना चावला जी हैं, गायन में आप लता मंगेशकर जी हैं, और बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बनना चाहते हैं तो मुकेश अंबानी भी आपके सामने हैं। इन सब चीज़ों की किसी दिमाग को अपने दिमाग में रखिए तो आप पाएंगे कि हम किस लक्ष्य को, किस तरह अपने करियर को डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले
हमें कुछ सवाल अपने आप से पूछने होंगे, और वो क्या सवाल होंगे कि व्हाट इज करियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड अ करियर, हाउ डू चूज योर करियर एंड हाउ डू डेवलप योर करियर। पाएंगे आप कि आपका करियर कौन मैनेज करता है, आपके पेरेंट्स वो चाहते हैं वैसा हो गया, आपके एकेडमिक एडवाइजर्स, आपके किसी टीचर ने आपको सलाह दी, करियर सेंटर, आप इस करियर काउंसलर के पास गए, आपने अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को बताया, अपने इंटरेस्ट अपने चॉइसेस को बताया, या आपके फ्रेंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिन्होंने कुछ भी डिसाइड कर लिया, चल यार हम ऐसा करियर के लिए प्लान करते हैं। कोई भी तरीके से आप अपना करियर प्लान करने के टाइम में कुछ अच्छी अच्छी बातों को जरूर ध्यान में रखें, लेकिन सबसे पहले समझें कि आपके करियर को सिर्फ आप ही अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और इसलिए करियर प्लान करने से पहले थोड़ा समय अपने आप के लगाइए और समझिए आप अपने करियर से चाहते क्या हैं। करियर क्या है? करियर इज ए प्रोफेशन, एक ऐसा प्रोफेशन है जिस करियर में आपको लगना चाहिए कि आपने ये चीजें हासिल कर ली। कोई भी करियर प्लान करने से पहले आपको ये 5 चीजें अगर ध्यान में रही तो आप एक अच्छा करियर अपने आप के लिए बना पाएंगे। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आर्थिक स्वतंत्रता, समाज में कोई भी स्टेटस आप लें, आपको मालूम है कि पैसे की जरूरत है, ऐसा करियर चुनें जिसमें आपको भरपूर पैसा मिलता हो। अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, आपका सीखने की क्षमता, आपके सीखने का स्कोप कभी भी कम नहीं होना चाहिए। अगर आप कंटिन्यूसली सीख रहे हैं तो आप समझिए कि आप कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा करियर चुनिए इसमें लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज हमेशा आपके सामने रहे। पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, ऐसा ना हो कि आपका करियर किसी जंक्चर पर आके रुक जाए, आपको मालूम होना चाहिए कि आपको आगे बढ़ना है, उस ग्रोथ ओरिएंटेड करियर ऑप्शन में ही आपको जाना है। जॉब सेटिस्फेक्शन, कितना ही अच्छा जॉब हो पर अगर आपके मन में जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको सेटिस्फाई नहीं करता वो जॉब, तो शायद बेकार है। और अगर कोई जॉब आपको सेटिस्फाई करता है, आप उसका अपना 100% देंगे, अपना 200% देंगे, अपना 300% देंगे और सक्सेस आपकी होगी। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि आप उस करियर प्रोस्पेक्ट से चाहते क्या है। कोई भी शॉर्ट टर्म गोल तय नहीं करिए, आज से 3 साल बाद, आज से 5 साल बाद आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, आज से उस ग्रेजुएशन के 2 साल बाद आप कौन सी कंपनी में जाना चाहते हैं, 5 साल बाद कौन सी कंपनी में किस पोजिशन को आप गन करना चाहते हैं, और 10 साल में आप किस जगह पहुंचेंगे। अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं तो आपको करियर या प्रोफेशन चुनने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक वार्निंग, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स एट सेकेंडरी लेवल डिटरमाइंस द सक्सेस ऑफ योर फ्यूचर, हेंस डिसाइड फर्स्ट व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर एंड देन सेलेक्ट। बहुत क्रिटिकल है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि आपको ये समझना है कि आपके सब्जेक्ट क्या होंगे, क्योंकि यही सबसे वाली चीज है जो आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगी आगे आने वाले समय में। और एक बार सब्जेक्ट आपने चुन लिया तो आपको समझ के रखना है कि उसको आपको फॉलो करना है। करियर प्लानिंग के कुछ स्टेप चलिए दोस्तों हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कि हमारी इंटरेस्ट क्या है करियर प्लानिंग में, उस प्रोफेशन में इंटरेस्ट क्या है, जिस करियर के लिए मैं गन करना चाह रहा हूँ, जो सब्जेक्ट मैं चुनना चाह रहा हूँ, उसमें हमारा इंटरेस्ट कैसा है, उस प्रोफेशन में इंटरेस्ट कैसा है। उसका बेस्ट तरीका आज अपने पेरेंट्स से कहिए, अपने टीचर से कहिए कि जिस तरह के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उस प्रोफेशन के कुछ सक्सेसफुल लोगों से आप पर्सनली जाके मिलिए। सपोज आई वॉन्ट टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट टुमारो, आपके आसपास ऐसे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, आप उनके जाके मिलिए और पूछिए कि सर आपकी सक्सेस का राज क्या है, आपने ये प्रोफेशन क्यों चुना, और बिलीव मी गर्ल्स एंड बॉयज आपको ऐसा कोई मिल जाएगा जो आपको गाइड करेगा। आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज कैसी हैं, आपको बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि आप उस करियर के माइंड फ्रेम में आप आते कि नहीं आते। कई ऐसे करियर होते हैं जिसमें बहुत लॉजिकल चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है, कई करियर ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत सारी सब्जेक्टिव नॉलेज, रिसर्च बेंट ऑफ माइंड की जरूरत पड़ती है। आप अपनी मेंटल कैपेबिलिटी को समझिए और समझ के फिर तय करिए आप कौन सा करियर चुनना चाहते हैं। बहुत जरूरी है दोस्तों आप ये समझें कि आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे हैं। अगर आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है और आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूट को गन कर रहे हैं, आप या तो लोन लेना पड़ेगा या आप उस जगह पहुंचने में आपको बहुत समय लगेगा या आपके घर वालों को बहुत बड़ा पेन होगा।
देखें आपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे हैं, चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, अपनी मेंटल एबिलिटी, अपने पुराने इतिहास, अपनी पुरानी कैपेबिलिटीज को देखते हैं जो अब तक आपने हासिल किया है। आप चाहते हैं कि मैं टॉप 10 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जाऊं और आपने कभी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अभी भी समय आप अपनी परफॉर्मेंस को संभाल सकते हैं। टॉप 10 इंस्टीट्यूट भी वही है जहां आप जैसे लोग जाते हैं। बट अगर आपने चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट अपनी तय करी तो ये अपने आप के लिए एक गोल सेट करने के बराबर होगा और आप उसको हासिल करने में बहुत अच्छी तरह से आप उसमें प्रयास में सफल हो सकते हैं। सेलेक्टेड प्रोफेशन शुड बी फ्री फ्रॉम बिटर और फियर्स कंपटीशन। ऐसा कोई कंपटीशन ना हो, ऐसा फील्ड हो जिसमें कम से कम कंपटीशन हो। हालांकि आज की तारीख में ऐसा कोई भी क्षेत्र ढूंढना बड़ा मुश्किल है, पर ऐसा भी कई क्षेत्र है जिसमें आपकी क्रिएटिविटी, फैशन डिजाइनिंग है, क्रिएटिविटी आपके काम आती है। हर आदमी थ्योरेटिकल करके फैशन डिजाइनिंग नहीं कर सकता, आप अपनी फैशन डिजाइनिंग को सुन सकते हैं। मतलब ऐसा कोई करियर हो जिसमें आने वाले समय में कम कंपटीशन हो या कंपटीशन की घनत्व बहुत कम हो। सेलेक्टेड प्रोफेशन शुड ब्रिंग इनफ मनी। आज हर व्यक्ति को एक आईफोन चाहिए, आज हर व्यक्ति को एक अच्छी सी गाड़ी चाहिए, आज हर व्यक्ति को एक अच्छा मकान चाहिए, एक समाज में स्टेटस चाहिए, वो ये सारी चीज़ें पैसे से आ सकती हैं। ऐसा कोई करियर जिसमें आने वाले समय में बहुत सारा पैसा हो, वो करियर चुनने में भी आपको एक सावधानी होता है। एक मुद्दा ये भी होना चाहिए कि आप उस करियर को चुन रहे हैं। प्रोफेशन वन सेलेक्टेड शुड नॉट बी चेंज और फ्लक्चुएटिंग। बार बार फ्लक्चुएट ना करें ऐसा आपका माइंड है, और सोचें कि बहुत तरीके से अगर आपने कंसल्टेशन के साथ में, अपने एकेडमिक एडवाइजर्स के साथ में बात करके अगर आपने इसको चुना है तो फ्लक्चुएशन का मतलब ही नहीं, क्योंकि कुछ समय में आपने अगर करियर ऑप्शन चुनने में अपने आप को स्थिर नहीं किया तो शायद आप उस अचीवमेंट को हासिल भी नहीं कर पाएंगे जो आपने अपनी जिंदगी के लिए अपने आप लिए सोचा है। प्रोफेशन इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोफेशन मस्ट बी कलेक्टेड विद फ्यूचर एस्पेक्ट वेल कैलकुलेटेड। आप समझें, आप लोग तो सब इंटरनेट के जमाने की पैदाइश है, आप समझें आपके पास उंगलियों पे, आपके अंगूठे पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। एंड यू पीपल आर लकी कि इस तरह की कैरियर काउंसलिंग में आप पार्ट बन रहे हैं। आपके पास आपके मेंटर्स, आपके टीचर्स हैं, आपके पास आपके करियर गाइड्स हैं। अगर आप उनसे सबसे इंफॉर्मेशन लेके किताबें पढ़ें, इंटरनेट पर साइट्स देखें, आप पाएं कि इंफॉर्मेशन अपने आप आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी। उन इंफॉर्मेशन को फ्यूचर एस्पेक्ट्स को देखते हुए आप किस तरह कोलेक्ट करेंगे या आपकी काबिलियत के साथ। जब भी करियर प्लान करें, जिस तरह का भी आपका इंटरेस्ट हो, उस तरह की इंटरेस्टेड इंफॉर्मेशन आप बेहद अच्छे तरीके से इंटरनेट के द्वारा इकट्ठी कर सकते हैं। नहीं तो भी मैं अपना ईमेल एड्रेस आपको दूंगा लास्ट में, मैं दिया भी है फर्स्ट में, आप मेरे को भी कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ शामिल हैं। एक छोटी सी सलाह, डू नॉट इम्पोज योर अनफुलफिल्ड डिजायर्स ऑन योर पार्ट्स। एज ए पेरेंट मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा तो बनना ही चाहिए। एज ए पेरेंट मैंने कभी सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा, मैं नहीं कर पाया तो मेरी बच्ची तो करनी ही चाहिए। नहीं, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम दिस। आप बच्चों की जिस चीज में काबिलियत है, जिस चीज में एक्सपर्टीज है, जिस चीज में उनका रुझान है, आप उसको उस तरह ही जाने दीजिए तो अच्छा कर पाएंगे। नॉट टू फॉरगेट फेमस मूवी ऑफ 3 इडियट्स, जहाँ बच्चों को अपनी रचनात्मक तरीके से काम करने की छूट दी गई, उन्होंने अच्छा किया, और जहाँ छूट नहीं दी गई, परिणाम गलत हो गए। एज ए पेरेंट हमें सोचना है बच्चों को हमें हैंड होल्डिंग करके उस डायरेक्शन में लेके जाना है जहाँ बच्चों को एक्चुअली जाना है। ऑल इन्वेजिव करियर इन IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किस तरह के करियर अवेलेबल है, बहुत सारे आपके पास आज की तारीख में कोई भी फील्ड देख लीजिए, एंटरटेनमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, ट्रेवल है, एंड कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, सभी में कंप्यूटर्स की जरूरत है। राइट नाउ इज द टाइम टू पुट अ पैशन इन देम। अगर बच्चे छोटे हैं, अगर उनको IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी तरह बताया जाए तो एक पैशन वो अपने आप के लिए डेवलप कर लेंगे कि इस फील्ड में हमें जाना है। हालांकि बहुत सारे फील्ड हैं जिनके बारे में इस सेमिनार में हम आज डिस्कस करेंगे। स्पेशल स्ट्रीम वाइज हम जाते हैं कि कॉमर्स के क्षेत्र में किस तरह के करियर अवेलेबल है। कॉमर्स के क्षेत्र में दोस्तों भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंपनी कामकाज मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त 3 इंस्टीट्यूट हैं
the Institute of Company Secretaries of India, the Institute of Chartered Accountants of India, the Institute of Cost Accountants of India. तीनों ही MCA की तरफ से ऑथराइज इंस्टीट्यूट्स हैं, भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है. सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त कोर्सेज हैं और सबसे ज़्यादा कम फीस है इनकी. और इन्हीं तीनों सेमिनार पे, तीनों कोर्सेज में आप घर बैठे इनकी वेबसाइट पर लॉगिन करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपना कोर्स 12th के इमीडिएटली बाद चालू कर सकते हैं. MBA, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट जगत में बहुत ज़्यादा डिमांड है. किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर आपने MBA किया, आप बहुत अच्छा प्राप्त कर सकते हैं जॉब. चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFAs, बहुत डिमांड में. आप CA के बाद भी कर सकते हैं, CS के बाद भी कर सकते हैं, MBA के बाद भी कर सकते हैं और साथ साथ भी कर सकते हैं. किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर आप करते हैं तो आप मान के चलें इन सब चीज़ों की कॉमर्स के क्षेत्र में बड़ी डिमांड है. साइंस के फील्ड में अगर देखें ट्रेडिशनली इंजीनियरिंग है, मेडिकल है. नॉट टू फॉरगेट, साइंस के क्षेत्र में आज की तारीख में रिसर्च पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है. अभी COVID-19 के टाइम में देखा हमने कि डिफरेंट फील्ड 250 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट खाली इस रिसर्च में लगे हुए हैं इसका तोड़ कैसे निकाला जाए. और दे आर हाईली पेड साइंटिस्ट. बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इस तरह की टेक्नोलॉजी आज की तारीख में डेवलप हैं और इनके स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट्स हैं, स्पेशलाइज कॉलेजेस हैं जहाँ आप टिपिकल इंजीनियरिंग और टिपिकल मैनेजरिंग को छोड़ के, मेडिकल को छोड़ के अपना करियर बनाने की सोच सकते हैं. आने वाली स्लाइड्स में मैं आपसे वो भी डिस्कस करूँगा कि किस तरह के फील्ड हमारे पास अवेलेबल हैं. आर्ट्स, अगर ह्यूमैनिटीज आपने लिए, पहले समझाया था कि आर्ट्स किसने लिए तो मतलब थर्ड ग्रेड है, नहीं, आज की तारीख में आर्ट्स भी उतना ही ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन है जितना साइंस और कॉमर्स. लॉ आप कर सकते हैं, 12th के बाद इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स प्रोग्राम होता है जिसमें आपकी ग्रेजुएशन भी साथ होती है और आपकी LLB भी साथ हो जाती है. ह्यूमैनिटीज़ में बहुत सारे सब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आप IAS दीजिए, RAS दीजिए, रीजनल लेवल के एग्जाम्स दीजिए, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम्स दीजिए. बहुत सारे सब्जेक्ट आपको आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में मिल जाते हैं जहाँ आप पढ़ के एक अपना सक्सेसफुल करियर प्राप्त कर सकते हैं. किस तरह की स्ट्रीम्स हैं इंजीनियरिंग में, अगर हम देखें तो अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ के इतनी सारी फील्ड में आपको बताना चाह रहा हूँ. आर्किटेक्चर आपके पास है, बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि कोई भी मकान बनाना हो, कोई भी डिजाइन बनानी हो, एक आर्किटेक्ट होना जरूरी सा है. बायोगैस एंड रिन्यूएबल एनर्जी, कब तक हम अपने कोयले को जलाएंगे, कब तक हम अपनी बिजली का उत्पादन बनाएंगे, हमें बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए और सोलर एनर्जी है और बहुत सारे साधन हैं जिसकी वजह से आज की तारीख में एनर्जी सेक्टर में बहुत सारे बदलाव आए हैं. एक इंजीनियरिंग अच्छी जगह से हम कर लें तो उसमें भी हम लोग अपना करियर बना सकते हैं, कंसल्टेंसी में अपना करियर बना सकते हैं. सिरेमिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. एनवायरनमेंट, पूरा वर्ल्ड आज की तारीख में इस बात के लिए कॉन्शियस है कि हमें किस तरह से एनवायरनमेंट को बचाना है और अगर उस बचाने के उसमें इशू में हम अपना भी खुद एक एक्सपर्टी डेवलप कर लें तो एक करियर के रूप में हम लोग इंजीनियरिंग में ये काम भी कर सकते हैं. सिविल, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, ये तो बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं, सबको सभी कुछ पता है. कॉन्क्रीट इंजीनियरिंग एक अपना अपना सब्जेक्ट है. पेट्रोकेमिकल्स दोस्तों एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट के रूप में उभर के आया है. देहरादून में एक इंस्टीट्यूट है पेट्रोकेमिकल्स के बारे में इंजीनियरिंग देती है और सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इमीडिएटली आपको एब्जॉर्ब कर लेती हैं एज ए इंजीनियर. फुटवेयर है, फुटवेयर डिजाइन इंस्टीट्यूट सरकार ने खोल दिए हैं डिफरेंट जगह में. आज की तारीख में 8 से ज़्यादा फुटवेयर डिजाइन इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं. टेली कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर्स, तो ये सदाबहार फील्ड है क्योंकि पीछे वाले समय, वर्तमान समय और आने वाले समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वर्चस्व बराबर बरकरार रहने वाला है. टेक्सटाइल्स कभी भी खत्म नहीं होने वाला करियर है. क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, जैसे जैसे अपराध बढ़े हैं, जैसे जैसे सूचना तकनीक बढ़ी है, जैसे जैसे लोगों की इंटेलिजेंस बढ़ी है, वैसे वैसे क्राइम की रेट भी बढ़ी है और वो क्रिमिनल्स बढ़ गए हैं जो बहुत बुद्धिमान है, आपसे 12 गुना 25 गुना ज़्यादा चालाक हैं. ऐसी चीज़ों को समझने के लिए जैसे हमारे यहाँ जोधपुर में सरदार पुलिस इंस्टीट्यूट ऑफ क्राइम टेक्नोलॉजी है, आप उसमें भी आप अपना एडमिशन ट्राई कर सकते हैं. माइनिंग एंड मेटलर्जिकल एक ऐसा फील्ड है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है. प्लास्टिक, यस, हालांकि दुनिया सब प्लास्टिक के अगेंस्ट में, फिर भी एक ऐसा करियर अपॉर्चुनिटी है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है. स्ट्रीम्स ऑफ बायोलॉजी,
फिटनेस कोच, खासकर आप युवा, आप तो बड़े फिटनेस फ्रीक्स हैं, फिटनेस कोच बन सकते हैं, वेलनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है और बीमारी से ग्रसित नहीं भी है। आज देखिए कोरोना काल में, कोविड 19 के टाइम में सबसे पहला जो बचाव का साधन था वो था आपकी इम्यूनिटी, और वो इम्यूनिटी कौन बताएगा आपको? आपका वेलनेस कोच, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट। हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, हमारा सोचना उठना बैठने का तरीका ऐसा हो गया कि आप समझिए आज से 5 साल बाद एक भारी मात्रा में फिजियोथेरेपिस्ट के पास हम सभी को जाना पड़ेगा और इनका बड़ा स्कोप है। नेचुरल हीलिंग एक्सपर्ट्स, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बाबा रामदेव। आप देखें एक व्यक्ति के दौर में उन्होंने एक संस्था और संस्था के दौर में एक एम्पायर उन्होंने खड़ा कर दिया एक नेचुरल तरीके से हीलिंग एक्सपर्ट के रूप में। योगा ट्रेनर, राइट एग्जाम्पल। योगा आज की तारीख में, अभी 21 जून को फिर सरकार योगा डे मनाने वाली है और इस बार सरकार का खुद का मोटो है, खुद का डायलॉग वो है कि आप घर बैठ के योगा करें, योगा करके फिट रहें। योगा ट्रेनर आप बन सकते हैं। डाइटिशियन, खाने की हैबिट सबकी खराब हो गई है और किस तरह हम अच्छा खाएं, किस तरह हम अच्छा फूड इंटेक लें उसको हमें देखना पड़ेगा। हर्बल ब्यूटिशियन, हर कोई अच्छा लगना चाहता है, अब चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, तो आप उसी को अगर हर्बल वे में जाते हैं, नेचुरल वे में जाते हैं, तो आपको एक ऑप्शन यहाँ मिल सकता है। ऑर्गेनिक फूड सप्लाई, सारे कंटेमिनेटेड फूड मिलते हैं, पता नहीं सब्जी कहाँ उगी है, दाल कहाँ बनी है, कहाँ उगी है, आज ऑर्गेनिक फूड का भी बहुत बड़ा चेंज। और इन सारे जो साइंस बायोलॉजी वाले सेक्टर्स हैं इनमें एक बहुत अच्छे स्टार्टअप के रूप में भी आप युवा अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिमांड है। स्ट्रीम्स ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, यहाँ आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। आप करियर काउंसलिंग है, मैं आपकी काउंसलिंग कर रहा हूँ, बहुत तरह की काउंसलिंग आपको देनी होती है। आप पेंटिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पेंटर्स हैं। म्यूजिक कर सकते हैं, म्यूजिक में भी महारत हासिल करके लोगों ने अपने अच्छे अच्छे कैरियर बनाए। अकेडमिक्स हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े 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 शिक्षाविद हमारे सामने एग्जाम्पल रूप में है। क्रिएटिव राइटिंग्स है, कोई भी काम करें उसको अगर हमें लेख बंद करना हो, पुस्तक के रूप में, लेख के रूप में डालना हो, तो हमें राइटिंग्स के रूप में एक एक्सपर्ट चाहिए। सोशियोलॉजी, एक्टिंग ना, आप देखिए मूवीज में है ना इतने धारावाहिक बनते हैं, इतने सीरियल्स बनते हैं, कोई ना कोई काम करता है तो उसको एक्टिंग के रूप में एक नाम और पैसा मिला हुआ है। फैशन डिजाइनिंग है, एक बहुत क्रिएटिव अपने आप में चीज़ है। फोटोग्राफी है, लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे कैरियर फोटोग्राफी के क्षेत्र में बना के बैठे हैं जिनमें आप अपना कैरियर अच्छा प्लान कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्र में अगर आप चाहें तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए बहुत बढ़िया करियर अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों एक चीज जरूर है कि हम कोई सा भी करियर प्लान करें लेकिन हमें कुछ लाइफ स्किल्स आना जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी सक्सेस को डिटरमाइन करती हैं जिंदगी में, और वो डिटरमिनेशन के लिए हमें ये चीजें फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये चीजें सबसे बढ़िया चीज है आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये सबसे बढ़िया चीज है कि ये सारी चीजें आप अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप उम्र के ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ आपकी सीखने की क्षमता और आपके सोचने की क्षमता और आपकी करने की क्षमता पीक पे है। कम्युनिकेशन स्किल्स, किस तरह हम एक दूसरे से संवाद स्थापित करते हैं। आई एम सॉरी टू से आजकल युवा पता नहीं कौन सी लैंग्वेज को काम में लेते हैं, किस लैंग्वेज में उन्होंने अपना काम लेना चालू कर दिया, किस स्लैंग को यूज करते हैं, और वो स्लैंग को यूज करते करते पता नहीं उनकी लैंग्वेज का कब अपभ्रंश हो जाता है। हमें तो हमारे टाइम में ग्रामर के बारे में, हमें तो हमारे टाइम में सेंटेंस मेकिंग के बारे में, हमें तो हमारे टाइम में कम्युनिकेशन टाइम में बहुत अच्छे से सिखाया गया था कि सब चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। तो आप किसी भी लैंग्वेज में किसी से बात कर रहे हैं लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स को आप अपना साउंड रखें, अपने ग्रामर को, अपनी राइटिंग को खराब ना करें, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप किस व्यक्ति से कौन से आज अमेरिका, रसिया या चाइना या जापान या ऑस्ट्रेलिया आपका क्लाइंट कहाँ होगा आपको पता नहीं। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी परफेक्ट इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स बिकॉज यू डोंट नो हु इज योर क्लाइंट एंड वेयर इज सिटिंग। सो योर इफ योर कम्युनिकेशन इज परफेक्ट, योर स्किल्स skill set must be perfect so that you can communicate across global village, anybody, anywhere in the world. IT, use of technology. मैं चूंकि Facebook बहुत अच्छे से चलाता हूँ, मैं चूंकि WhatsApp का बहुत अच्छा use करता हूँ, does not mean that I am technology master. Have a structured course done from some good institute.
वेयर यू कैन लर्न व्हाट इज व्हाट। आज टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारी चीजें हासिल करी है, और दोस्तों टेक्नोलॉजी हमें सिखा रही है परफेक्ट होना। तो उस टेक्नोलॉजी को अगर हम काम मिले स्ट्रक्चर वे में, तो उस चीज को हम अपनी जिंदगी में भी बता सकते हैं। क्रिएटिविटी, हम कहते हैं लड़कियों में क्रिएटिविटी भगवान ने एक वरदान के रूप में दी, पर क्या लड़के काम है? हम अपनी क्रिएटिविटी को काम में नहीं लेते। हम उस सोच को, जैसे उस मैंने आपको इटली वाली स्टोरी बताई, उस लड़की ने बड़ी क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से अपने पूरे परिवार को बचा लिया, अपने आप को बचा लिया। जो क्रिएटिविटी आपकी पीक पे है, आपको क्रिएटिविटी निकालने के लिए बहुत सारे टूल्स आज की तारीख में अवेलेबल है। तुम सारे टूल्स को अगर आप काम में लेते हैं दोस्तों, तो आप कोई वजह नहीं कि आपको क्रिएटिविटी में कोई मात दे पाए। क्रिटिकल थिंकिंग, सोचिए आप कितना समय सोशल मीडिया को देते हैं, कितना समय व्हाट्सएप पे देते हैं, कितना समय आप फेसबुक पे देते हैं। किसी ने मेरी पोस्ट रात को 2 बजे लाइक की तो मैं भी उसको लाइक करूं, कोई जरूरी नहीं है। कितनी काम की पोस्ट आपने लाइक की या कितना सोशल मीडिया को आपने इफेक्टिव यूज किया, बहुत जरूरी है। और यही धीमे धीमे क्रिटिकल थिंकिंग, जब आप MBA करने जाएंगे, जब आप IAS का एग्जाम देंगे, जब आप किसी हायर इंस्टीट्यूट ऑफ योर चॉइस में आप एडमिशन लेने जाएंगे, और जब आप इंफोसिस और विप्रो जैसी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों में जाएंगे, तो दोस्तों आपकी शक्ल से, आपके कामों से, आपके पारिवारिक बैकग्राउंड से आपको जॉब नहीं मिलने वाला, आपको मिलेगा कि आप किस तरह एक अच्छे लीडर के रूप में एक क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव तरीके से यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को करते हुए आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाते। बहुत जरूरी है ये सब चीज़ें आप शुरू से अभी से डेवलप कर लें। वर्किंग इन टीम, टीम वर्क, ता जिंदगी हम सुनते आए अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, सही है, बिल्कुल ठीक है। आपको टीम में काम करना आना भी चाहिए, और टीम में काम करते हुए आपको टीम की लीडरशिप बनना भी आना चाहिए। देश में प्राइम मिनिस्टर एक है, लेकिन 135 करोड़ जनसंख्या आगे भी से बिल्कुल समझे कि वो टीम वर्क, टीम वर्कर भी है और टीम लीडर भी है। आज से अपनी टीम के बारे में, अपने बारे में सोचना चालू करें, अपनी क्वालिटीज को निखारें, और उस बात में सोचें कि मैं किस तरह एक अच्छे टीम वर्क के रूप में काम कर सकता हूँ, और किस तरह मैं एक अच्छे लीडर के रूप में उभर के आ सकता हूँ। किसी अच्छी कंपनी में चली जाइए, आपको टीम में काम करना पड़ेगा, अकेले आप कोई काम नहीं कर सकते। नेगोशिएशन स्किल्स, आपको नेगोशिएशन करना आना पड़ेगा, चाहे आप घर में हैं, दोस्तों में, मार्केट में या वर्क प्लेस में। सबसे बढ़िया काम है जब नेगोशिएशन करें, आप ध्यान रखें दोनों पार्ट्स का, अपना, अपने फेवर का, अपने बेनिफिट्स का, और अगले की एम्पैथी का। अगर आप नेगोशिएशन में माहिर हैं, तो एक आप अच्छे टीम लीडर के रूप में भी उभर के सामने आ सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, सबसे ज्यादा गंदी हमारी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है, बल्कि ज्यादा गंदी को वर्ड ना यूज करें तो हम मिसमैनेज्ड हैं टाइम के मामले में। 24 घंटे उस भिखारी के पास भी है चौराहे पे खड़ा भीख मांग रहा है, 24 घंटे हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास में भी जो एक एक सेकंड को यूटिलाइज करें, 24 घंटे उस व्यक्ति के पास भी है, आप समझिए मुकेश अंबानी के पास 26 घंटे की घड़ी नहीं है, 24 घंटे उनके पास भी है। तो अगर हमने अपने टाइम को बहुत अच्छा, कहते भी हैं अगर टाइम को हमने मैनेज नहीं किया तो टाइम हमें मैनेज करेगा, और जब टाइम अपने हिसाब से हमें मैनेज करेगा तो आप सोच लीजिए परिणाम कुछ भी हो सकता है। और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अगर आपने अपनानी है, आपको मानना है कि टाइम हमें मैनेज ना करें, तो आप दोस्तों ये मान के चलिए कि टाइम आपको अपने आप मैनेज करना आना चाहिए। सभी को भगवान ने 24 घंटे दिए, उसी को हमें यूज करना है। एम्पैथी, हमें दूसरों के प्रति भी एम्पैथी रखनी है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा किस तरह काम कर रहा है, दूसरे काम करने में कितनी अच्छाई है या गलत की है, हमें एम्पैथी रखनी है, संपदा संवेदना रखनी है, और उसी तरह हम एक अच्छे सोशल प्राणी बन सकते हैं। हम अकेले नहीं हैं, हमारा परिवार है, हम अकेले नहीं हैं, हमारा पड़ोसी है, हम अकेले नहीं हैं, हमारा समाज है, हम अकेले नहीं हैं, हमारा देश है। तो सभी को सोच के अगर हम करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से एक टीम के रूप में उभर के आ सकते हैं। और वर्किंग इन ए क्रॉस कल्चर एनवायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कल जाके ये नहीं कह सकते कि मैं तो इस तरह काम करूंगा, आपको नहीं पता कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाके काम करना पड़ेगा, आपको नहीं पता कि आपको इंग्लैंड जाके काम करना पड़ेगा, आपको नहीं पता कि बेंगलोर में कौन सी कंपनी में आपकी जॉब लगेगी, आपको नहीं पता कि वहां आने वाले लोग कहां कहां से आए होंगे। अगर आपने एक क्रॉस कल्चरल एनवायरमेंट में अपने को काम करने की आदत डाली, तो आप कहीं भी सक्सेसफुल होंगे, ये आप मान लीजिए।
तो इस तरह से अगर हम लोग अपने कैरियर के बारे में प्लान करें, थिंकिंग करें, सोचें, तो दोस्तों कोई वजह नहीं है कि हमें कोई असफलता या विफलता का सामना देखना पड़े। ये सब चीज़ें, सबसे बड़ा जलन मेरे को आपसे होती है कि आप लोग उम्र के इस मोड़ पे हर आपके पास एक बहुत अच्छे कोच द्वारा एक टिप्स दिए जा रहे हैं आपको समझने के लिए, आप उनको अपनाना चालू करें, कोई वजह नहीं कि आपको कोई रोक पाएगा। तो इस तरह अगर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो हम पाएंगे कि हमें बहुत सारी सक्सेस को हासिल करने की पहली कड़ी, पहली सफलता की पहली सीढ़ी में हमने काम कर दिया। एक छोटा सा ब्रेक, आपको एक फॉर्म दिया गया, उस फॉर्म पे आप थोड़ा सा फीलिंग कर दें, तब तक हम ये समझ सकते हैं कि नाउ दैट, मतलब हमने एक अपने करियर के बारे में बात की, एक अपना इनकम का सोर्स जनरेट करने की कोशिश की, और कोई वजह नहीं कि अगर हम लोग अच्छी तरह प्लान करें तो हम अपने एक करियर में बहुत बड़े सफल हो सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। यस, नाउ लेट अस ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड बचत का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, और उसकी सिक्योरिटी आज COVID-19 जैसी टफ टाइम में इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। अगर हमने इस तरह समझा तो हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो देश का सबसे शक्तिशाली पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है, जहां स्टॉक्स में डीलिंग की जाती है, वहां आप जाके उन्हीं की तरफ से एक प्रयास है, BSE की तरफ से उन्हीं का एक प्रयास है कि हम आपको बताएं कि सेविंग्स क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है और उसकी सेफ्टी क्या है। कैपिटल मार्केट क्या होता है, आप में से कई सारे लोग कॉमर्स के भी होंगे, किसी भी कंपनी जो निगमित कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, उसकी जो शेयर कैपिटल है, जो पूंजी है ओनर्स की, उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। और एक शेयर की मूल्य क्या होता है कि किसी कंपनी की ओनरशिप का सबसे छोटा हिस्सा, द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द ओनरशिप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड ए शेयर। तो ये हम समझें कि इस तरह से शेयर होल्ड कैपिटल क्या है, और ये कैपिटल कहाँ डील होती है, स्टॉक एक्सचेंज। आज हम समझते हैं कि पहला कदम ले रहे हैं आज अपने फाइनेंशियल लिटरेसी का, और आपको अच्छा लगेगा कि इस पहले कदम को मैंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों के लिए एक रेजोल्यूशन के रूप में, नए साल के रेजोल्यूशन के रूप में आपके लिए रखा है, और एक एक रेजोल्यूशन को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। मेरे को ये खुशी है कि फाइनेंशियल लिटरेसी का पहला कदम आप लोग मेरे साथ ले। हम सभी लोग क्यों, क्या सोचते हैं, किस लिए बचाते हैं, किस लिए कमाते हैं, एक अच्छा सा मकान हो, एक अच्छी सी गाड़ी हो, खूब सोने जेवरात हो, हम एक अच्छी पढ़ाई कर पाएं, इमरजेंसी के लिए हमारे पास पैसा हो, खूब धन दौलत हो, और नॉट टू फॉरगेट कि हमारे को अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करने के लिए बहुत सारे पैसे हों। इन सब चीज़ों के लिए हम सोचते भी हैं, उन्हीं सब चीज़ों के लिए कमाते भी हैं, साथ ही इन सभी चीज़ों के लिए बचाते भी हैं। और एक टिपिकल लाइफ साइकिल जिसमें हम लोग सब मूव करते हैं और अपनी पूरी लाइफ को मतलब लगा देते हैं, शादी, बच्चे, कार, हाउस, चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन मैरिज, रिटायरमेंट, अगर इस टिपिकल लाइफ साइकिल को दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो इसमें ना सिर्फ हमारे ड्रीम्स छुपे हैं बल्कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स भी छुपे हैं। हर एक गोला हमारे एक फाइनेंशियल गोल को इंडिकेट करता है कि हमें ये चीज़ें अचीव करनी है, और उन चीज़ों को अचीव करने का क्या तरीका है कि हम कमाएं, अपने एक्सपेंसेस को कम करें और सेविंग्स को बढ़ाएं। होता उल्टा है, आज की तारीख में इनकम कम होती चली जा रही है, वैल्यू ऑफ एक्सपेंसेस बढ़ती चली जा रही है और बचत हमारी कम होती जा रही है। क्यों ना हम उस ट्रेडिशनल बचत की डेफिनेशन को आज चेंज करें। क्या कहते हैं बचत की डेफिनेशन ट्रेडिशनली, कि जब भी हम पैसा कमाएं हम खर्च करें और उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको बचाएंगे, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स। इस डेफिनेशन को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लें दोस्तों तो हमारी जिंदगी का मायना भी बदल जाएगा। आज हमें नई डेफिनेशन समझनी है, इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। जब भी हम कमाएंगे, जब भी हमारी कमाई चालू हो, और आप लोगों की तो कमाई अभी से चालू है, आपको अच्छी पॉकेट मनी मिलती है, अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं, जब भी हम पैसा कमाएं, कमाने का सबसे पहला हिस्सा एक थोड़ी सी बचत के रूप में हम रखें, और जो पैसा हमारे पास बचा हुआ है उससे हम अपना खर्चा करें। इसमें हमने क्या चीज़ को प्रायोरिटी दी है, बचत को। और अगर हम किसी चीज़ को जिंदगी में प्रायोरिटी देते हैं तो वाकई में उस चीज़ को हम लोग हासिल कर पाते हैं। कुछ रेजोल्यूशन हमें अपने आप से लेने हैं, आई विल सेव एंड इन्वेस्ट।
वो गलती ना करें जो गलती आपकी मम्मियों ने की। नोटबंदी के समय आपकी सभी की मदर्स के पास में बहुत सारा पैसा निकला। पैसा क्यों निकला? क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि पैसा उन्होंने बचा के रखा। बचाया कैसे? अपने सारे साधनों से, अपनी सारी कम से कम साधनों में, बचत में उन लोगों ने पैसा बचाया और बचा के उसको रखा। लेकिन गलती कहाँ हुई? उन्होंने पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, और जब पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया तो पैसा दो तरीके से खराब हो गया। पहला, तो उस पैसे में ब्याज नहीं मिला, और दूसरा, मुद्रा स्फीति, महंगाई की दर से पैसे की वैल्यू, रेट ऑफ इन्फ्लेशन से पैसा कम होता चला। आप ये रेजोल्यूशन कर लीजिए अपने आप से कि मैं जब भी कमाना चालू करूंगा मैं बचाऊंगा और बचा के इन्वेस्ट करूंगा। Rather, very first expenses of my first income will be savings only. And even you guys are lucky कि आपको pocket money और gifts भी बहुत सारे मिलते हैं। और किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में अगर आपको systematic investment plan के थ्रू जारी करना हो अपना निवेश, तो एक अच्छी फैसिलिटी है कि even as low as 100 rupees per month से भी आप अपनी SIP चालू कर सकते हैं, और वो बड़ा nominal amount है, लेकिन उस nominal amount को power of compounding से चेक करेंगे तो जिस टाइम आप 60 साल के होंगे उस टाइम आपके पास बहुत सारा पैसा होगा। यस, दैट इज योर मनी। आई विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इमरजेंसीज। एक्सीडेंट कभी भी कह के नहीं होता कि एक्सीडेंट अभी होने वाला है, या कोई इमरजेंसी एक्सीजेंसी आने वाली है, या आप बीमार पड़ने वाले हैं, या आप कल से हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले हैं। तो इमरजेंसीज के लिए हमें आपको बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करके रखना है, चाहे वो कैरियर एक्सीजेंसी है। आपने कोई कैरियर चुना वो नहीं हासिल कर पाए तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए। आपने कोई फाइनेंशियल प्लान किया वो नहीं कर पाए तो इमरजेंसी क्रिएट हो गई। आज की तारीख में COVID-19 की इमरजेंसी क्रिएट हो गई जहां कई लोग बेरोजगार हो गए। तो अगर उन्हीं के पास इमरजेंसी फंड होता 4 से 6 महीने की कमाई के बराबर, तो शायद उनको इतना नहीं सोचना पड़ता जितना आज हम सब लोग सोच रहे हैं। तो एक इमरजेंसी फंड आपको बनाना जरूरी है, अपने आप को इमरजेंसी के लिए तैयार करना जरूरी है। गोल्स बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में गोल हासिल करने के लिए एक स्पेसिफिक स्मार्ट गोल बनाएं। स्मार्ट गोल क्या होते हैं? ऐसा कोई लक्ष्य है जिसको इन 5 पैरामीटर्स पे आप टेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई गोल जो स्पेसिफिक हो, मतलब मेरे को पता होना चाहिए कि मैं किस बात के लिए ये गोल बना रहा हूँ। मेजरेबल हो, मैं मेजर कर पाऊँ, आकाश की तरह अनंत और धरती की तरह फैला हुआ ना हो, मैं मेजर कर पाऊँ। एडजस्टेबल हो, अगर मेरा एक प्लान सक्सेस नहीं हो रहा है तो दूसरा प्लान मैं करता हूँ। रियलिस्टिक हो, धरातल पे हो, मैं सोचने का तरीका ऐसा हो मैं रियलिस्टिकली सोच रहा हूँ। और टाइम बाउंड हो, मैं लखपति बन जाऊँगा कब पता नहीं, मैं लखपति बन जाऊँगा 3 साल में, ये टाइम बाउंड है। तो अगर हमने स्पेसिफिक, मेजरेबल, एडजस्टेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड गोल बनाया तो हमारी सफलता हम अपने आप को सुनिश्चित कर सकते। एक और रेजोल्यूशन हमें अपनी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए लेना है, आई विल टेक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नॉट ऑन हियरसे और अजम्पशंस। मेरा पड़ोसी क्या कहता है, मेरा टीवी चैनल क्या कहता है, मेरा वो फलाना दोस्त क्या कहता है जिसकी नॉलेज फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं है, तो आप उसकी सलाह पे अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, मान के चलिए आप गलत डिसीजन लेंगे। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आपको 4 काम जरूर कर लेने हैं। क्या 4 काम करने हैं? तो उस इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़िए, उस इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट पे आप सवाल जवाब करिए, पूछिए किस वजह से आपने ये इन्वेस्टमेंट करवाया, कितना रिस्क है, उस इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट पे साइन करिए और साइन के बाद एक कॉपी अपने पास रखिए। तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा। और मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि आप युवा जो इंटरनेट सेवी है और इंटरनेट पे इतनी जहां की दुनिया जाके इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो व्हाई नॉट यू पीपल हेल्प योर पेरेंट्स। पूछता आपकी मदर, आपके फादर जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं वो इतने इंटरनेट सेवी ना हो, आप उनकी हेल्प करिए। मम्मी पापा से पूछिए कि आप जब भी कभी नेक्स्ट टाइम निवेश करें तो आप कृपया मेरे को बताएं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आपकी इन्फॉर्मेशन पे वो बहुत अच्छा एक अच्छा डिसीजन लेने वाली पोजिशन में हो सकते हैं। आई हेड टू माई एक्सपेंसिस बजट, आई नॉट बोरो मनी टू इन्वेस्ट। आपके घर में आज भी बजट बनता है। कोई भी व्यक्ति आज अगर हिंदुस्तान का 20 लाख करोड़ का बजट बनता है, तो अगर मैं 2 लाख कमाता हूं तो मेरा 2 लाख का बजट बनता है, और एक मजदूर अगर 2000 कमाता है तो 2000 का बजट बनता है। व्हाई नॉट यू यंगस्टर्स
गेट इन्वॉल्व विद योर बजट मेकिंग प्रोसेस. घर पे जाके मम्मी पापा से कहिए कि मम्मी पापा आप जब बजट बनाए मेरे को भी शामिल करें. क्या होगा, आप अभी कमाने लायक तो है नहीं, पर दो चीजें जरूर आपको मालूम चल जाएंगी बजट बनाने के प्रोसेस में, कि पैसा आता कहाँ से, कितने मुश्किल से कमाया जाता है, और दूसरा आपको जरूर मालूम चल जाएगा कहाँ के बेकार एक्सपेंसेस हैं जो आप बंद कर सकते हैं या कम कर सकते हैं. तो आप अगर आपने वो एक्सपेंसेस रोक दिए तो आप भी इनकम में शामिल होते हैं. तो बजट बनाने का प्रोसेस जितना जल्दी आप सीख लें उतना ही जिंदगी में आप उतना ही डिसिप्लिन हो जाएंगे, और जिस दिन आपकी दोस्तों फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ गई तो आप मान के चले आपने एक जीत तो फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल सक्सेस में ले ही लिए. आई विल नॉट बोरो टू इन्वेस्ट, क्रेडिट कार्ड लोन्स, अननेसेसरी लोन्स. आप किसी भी दुकान पर चले जाएं जहाँ लग्जरी गुड्स मिलते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड पे पैसा मिल जाएगा. वो दुकान पे कोई भी सामान आपको EMI पे मिल जाएगा. पर देखें आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी चीज़ ऐसी जो आपकी आवश्यकता की नहीं है, अगर आपने खरीदी है चुकाने आपको पैसे, ध्यान रखें आपकी फाइनेंशियल सक्सेस में वो बाधा दे सकता है. आई विल प्रोटेक्ट माई फ्यूचर. फ्यूचर कैसे प्रोटेक्ट होगा, आपको इंश्योरेंस लेना है ना, अपनी ऐसी प्लानिंग करनी है कि आपकी जिंदगी और आपकी जोखिम, आपकी कार, आपकी बाइक, आपके हाउस, आपकी लाइफ सब कुछ प्रोटेक्टेड हो, और उसके लिए आपको एक अच्छी सी इंश्योरेंस पॉलिसी भी प्लान करनी चाहिए. जिस तरह हम कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि डॉक्टर समझता है एक्सपर्ट है. कभी हमें मकान बनाना होता है तो हम किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं क्योंकि वो समझता है कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ड्राइंग करके देखा और हम मकान बना पाएंगे. पर जब भी हमें कभी इन्वेस्टमेंट करना होता है हम इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास नहीं जाते. क्यों? क्योंकि हम सुनी सुनाई बातों में ज़्यादा विश्वास करते हैं. दोस्तों एक फाइनेंशियल प्लानर के पास जाएं, भले ही वो फीस चार्ज करेगा आपसे, लेकिन अगर आपने उससे सलाह लेके अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो आप मान के चलें आपके लिए सक्सेस के द्वार फिर खुले हैं. आप बहुत कोशिश करके ये देखें कि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपके आसपास हो जो आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको ये बता पाए कि आपको निवेश कहाँ करना है. ये सारी चीज़ें जब आज इस अच्छे मौके पर मैंने आपसे सलाह की है, कोई भी आपको इशू है तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं. मैं आपको ये बता के बड़ा खुश हूँ कि व्हाट्सएप पे भी मैं हूँ, फेसबुक पे भी मैं हूँ, और मेरा ईमेल एड्रेस भी आप दे सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर भी आप नोट कर सकते हैं. और ये सेमिनार जिन्होंने आपके लिए ऑर्गेनाइज की है, अक्षय और शशांक, उन दोनों का, ऐसा डिजिटल जावेद दोनों का भी मैं थैंकफुल हूँ. उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए बहुत मेहनत करके ऑर्गेनाइज किए सेमिनार. अभी चैट बॉक्स पे आप कोई मैसेज डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं. मैं अपने प्रेजेंटेशन को यहीं रोक रहा हूँ. थोड़ा कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप करिए. मैं अनम्यूट करता हूँ सभी को, जिसको भी आपको बात करनी है आप ऐसे अपना अनम्यूट करके बात कर सकते हैं. हेलो सर. या सर, मुझे ये पता करना है, जानना था सर कि जो सेविंग के साथ साथ हम कैसे इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जा सकते हैं. जैसे एज ए स्टूडेंट अभी हम यंगस्टर होते हैं, हमें मार्केट का ज्यादा नॉलेज होता नहीं है, हमारे सब पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि हम रियल इस्टेट में जा सके. तो ऐसी कंडीशंस में हम सेविंग के साथ साथ यदि अगर हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी हो तो हमें किस सेक्टर में और किस तरीके से निवेश स्टार्ट करना चाहिए, शुरू करना चाहिए स्टार्टिंग? जब मैंने आपसे निवेश की बात की तब मैंने आपको बताया भी था कि आज की तारीख में म्यूचुअल फंड में 100 रुपए प्रति माह से भी आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट अपना चालू कर सकते हैं. 100 रुपए में कोई जमीन नहीं आएगी, 100 रुपए में सोना या चांदी नहीं खरीद पाएंगे. आप 100 रुपए की RD कर सकते हैं, आप 100 रुपए से एक बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप 100 रुपए से एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं. कभी भी आप ये वेट मत करिए कि मेरे पास 1 लाख रुपया होगा तो मैं इन्वेस्टमेंट चालू करूंगा. कभी भी ये वेट मत करिए कि मैं 5 लाख रुपये पर मंथ कमाऊंगा, या कभी भी ये वेट मत करिए कि मैं 40 साल का हो जाऊंगा तब इन्वेस्टमेंट की जरूरत करूँ. आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे उतना ही फायदा.
यस अपने आप को अनम्यूट करके आप प्रश्न कर लीजिए। म्यूचुअल फंड के अलावा और कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम जैसे अगर मेरे पास अगर 50,000 या 1 लाख के समथिंग अगर अमाउंट है तो मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए अगर अगर मेरे पास 50,000 या 1 लाख और अगर मैं म्यूचुअल फंड के अलावा अगर कोई ऑप्शन जानना चाहता हूँ तो? देखिए जो पॉपुलर एसेट क्लास होती है जहाँ हम निवेश कर सकते हैं वो 4-5 तरह की होती है। या तो आप बॉन्ड खरीदें, आप सोना चांदी खरीदें, आप फिक्स डिपोजिट खरीदें, आप पोस्ट ऑफिस में NSE खरीदें, RD कर दें, आप शेयर मार्केट में डील कर लें या आप म्यूचुअल फंड में डील कर लें। शेयर मार्केट में इसलिए रिकमेंड नहीं करता जबकि हमें नॉलेज ना हो तो हम उसको गलत तरीके से अपना नुकसान कर बैठ सकते हैं। इसलिए सबसे सेफ तरीका है कि या तो आप RD कर लें, FD कर लें या आप मार्केट में थोड़ा सा रिस्क लेके कमाने की इच्छा है तो आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। थैंक यू सर। Any other question? Shashank? Hello, sir. Yes. Sir, एक और doubt था मेरा। हाँ। कि सर यदि अगर कम टाइम में यदि अगर हाई रिटर्न्स की अगर हम बात करें, लेस टाइम एंड हाई रिटर्न। हेलो। हाँ जी हाँ जी सर, उस कंडीशन में कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा सही रहेंगे? शेयर मार्केट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ कम समय में आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द राइट स्किल। आपकी कमाने की क्षमता के साथ साथ खोने की क्षमता भी होनी चाहिए और हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये समझते हैं कि 100 माइनस योर एज इज द रिस्क यू कैन टेक। सपोज अगर आपकी एज 20 साल है और आपके पास 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करने के लिए है तो 100 माइनस 20 मतलब 80 रुपए आप रिस्की इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 20 रुपए आपको सेफ इंस्ट्रूमेंट। एक बार सब लोग अपना वीडियो शो करें जरा, लेट अस हैव ए फेस टू फेस चैट। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लें प्लीज। ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स प्लीज फॉर ए मिनट। शशांक कोई सवाल नहीं है तो वी कैन क्लोज द मीटिंग। यस ऑल ऑफ यू प्लीज स्टार्ट योर वीडियो। चैट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर डाल दीजिए कि क्या टेक अवे आपने लिया। एक फॉर्म भी मैंने दिया है, फिर भी मैं दोबारा एक फॉर्म डाल देता हूँ और उसको आप कर सकते हैं। प्लीज गिव योर फीडबैक। और आप सभी को सर मेरी एक रिक्वेस्ट और थी सर कि जितने भी सेमिनार हुए हैं उनका सर अगर PPT अगर हमें मिल जाता तो हमारे पास सर आपके वर्ड्स हमारे पास सेव रहते कहीं ना कहीं, सो आप हमें मतलब प्रोवाइड करवा सकते हैं? हां, आई विल ट्राई एंड गिव दिस पीपीटी इन PDF फॉर्म टू द ऑर्गेनाइजर्स, आप उनसे ले लीजिएगा या डायरेक्टली मेल करता हूं, कोई इशू नहीं। एनी अदर क्वेश्चन? चलिए
आई होप यू एवरीबडी लाइक दिस. आप डिस्कस करिए, कोई सवाल है तो मेरे से बाद में चैट पे उसे भी पूछ सकते हैं मेल पे. ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. स्टे कनेक्टेड, हैव अ ब्राइट फ्यूचर. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू.